Hey guys, welcome back to my channel once again. तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से. गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पर हम कल पूरे दिन बीडीओ बीपीडीओ भर्ती से रिलेटेड और तमाम और भी जो खबर हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जो सबसे पहले खबर है वो ये है कि मालिक का शागिर्द गोवा से गिरफ्तार पेपर लीक मामले में. जैसे कि आपको पता है कि कल एक व्यक्ति की और गिरफ्तारी हुई है और वो गोवा का है और मेनली वो है लखनऊ का और वो RSS टेक्नो सॉल्यूशंस में ही काम करता था और वहीं से उसने जो है पूरा का पूरा पेपर चुराया. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 गिरफ्तारियां हो गई हैं. अभी तक कई और लोग जाएंगे जेल. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक राजेश चौहान और नकल माफिया केंद्रपाल के गुर्गे को एसटीएफ ने गोवा से गिरफ्तार किया. वह इन दोनों के बीच एक कड़ी माना जा रहा है. आरोपी ने प्रश्न पत्र लेकर हल्द्वानी में शशिकांत को मुहैया कराया और वहाँ रिजॉर्ट में जो है दर्जनों छात्रों को जो है नकल कराई. आप देख सकते हैं दर्जनों में, पता नहीं एक दर्जन भी हो सकता है, दो दर्जन भी हो सकता है और तीन दर्जन भी हो सकता है. तो एसटीएफ ने इस मामले में अब तक 30 लोगों की गिरफ्तार कर लिया. तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक जो है कड़ी यहां पर जुड़ती जा रही है. उसके अलावा जो कल सबसे बड़ी खबर यह रही कि आरोपियों की संपत्ति का पता लगाने के लिए कई शहरों में जो है एसटीएफ ने अपनी दबिश दी है. तो यहां पर जैसे कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये आदेश दे दिए हैं कि सभी जितने भी आरोपी हैं उन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत यहां पर पूरी कार्रवाई की जाएगी. तो यहां पर आप देख सकते हैं आरोपियों की अवैध संपत्ति की जानकारी के लिए जो है एसटीएफ ने धरना दिया है, सॉरी एसटीएफ ने जो है अपनी दबिश दी है. तो यहां पर आप देख सकते हैं पेपर लीक मामले में आरोपियों की कई अवैध संपत्तियों के बारे में एसटीएफ को जानकारी मिली है. इन संपत्तियों की खोजबीन के लिए एसटीएफ ने कई शहरों के लिए टीम रवाना की है. जल्द ही एसटीएफ कुछ लोगों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाने की तैयारी कर रही है. इसके बाद इनकी संपत्तियों को भी जो है यहाँ पर जब्त कर लिया जाएगा. तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आने वाले भविष्य में किस तरह से और बड़ी कार्रवाई उन लोगों पर हो सकती है जिन्होंने पेपर लीक किया है और इस पूरे कांड को जो है अंजाम दिया है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ. बात करेंगे 2015 दरोगा भर्ती की. यहाँ तो जैसे कि आपको पता है कि लगातार बीडीओ बीपीडीओ भर्ती जांच के बाद एक के बाद जो कड़ी जुड़ रही थी उनमें एक और नाम आ रहा था दरोगा भर्ती का. तो फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं 2015 के दरोगा भर्ती घपले में विजिलेंस जांच की जो है मंजूरी दे दी गई है. तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली सतर्कता समिति ने जो है यहाँ पर जो है दे दिया आदेश. तो आप देख सकते हैं वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती की सीधी भर्ती जो हुई थी धांधली में विजिलेंस की जांच की मंजूरी मिल गई है. इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है इसका जो है निर्णय ले लिया गया है. तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तीसरी बार सन 2015 में दरोगा की सीधी भर्ती हुई थी. इस परीक्षा के माध्यम से पुलिस के 339 पदों के लिए भर्ती हुई थी, जिसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग 110 के आसपास जो है फीमेल कैंडिडेट भी सिलेक्ट हुई थी. तो यहाँ पर जो है कि शुरुआत में इस भर्ती का रिजल्ट में आरक्षण का पेंच फंसा था, लिहाजा दो बार रिजल्ट जारी किया गया था. अब इसमें धांधली के बाद सामने आने पर यहाँ पर वर्तमान में मैं चल रही आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती के साथ साथ जो है इसकी भी जांच होगी. यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि या तो उन्होंने नकल की है या फिर उनकी अर्हता को लेकर कुछ गड़बड़ी की गई है. चूँकि यह परीक्षा पुलिस विभाग की है, ऐसे में पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आने वाली कोई एजेंसी इसकी जाँच नहीं कर सकती, लिहाजा पुलिस मुख्यालय ने विजिलेंस जाँच की सिफारिश की थी. गृह विभाग ने इसे कार्मिक विभाग को भेजा था. इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सतर्कता समिति की बैठक में विचार विमर्श लिया गया और विजिलेंस की जांच के आदेश दे दिए गए. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद लगातार उत्तराखंड में जितनी भर्तियां आ रही हैं उन पर जो है जांच के आरोप लगातार लग रहे हैं. भर्तियों में धांधली की CBI की मांग जो है लगातार उठने लगी है. तो तमाम आंदोलनकारी भी और तमाम और भी जो युवा हैं लगातार CBI जांच की मांग कर रहे हैं. और उसके अलावा इसके लिए आज 1 सितंबर को बड़कोट में जो है आंदोलन होने वाला है, उस पर भी हमारी प्रॉपर नज़र बनी रहेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ. बात करेंगे विधानसभा की भर्तियों को लेकर. तो जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में विधानसभाओं में लगातार, चाहे उत्तराखंड
झारखंड के शासन में कोई भी रहा हो, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, सब ने जो है अपने अपने बंदे भरे हैं। तो इसी संबंध में विधानसभा भर्ती का भाजपा नेतृत्व ने लिया संज्ञान। तो कल ही जो विधानसभा के जो प्रेमचंद अग्रवाल थे और एक और प्रभारी गौतम ने कहा कि मामले की सच्चाई का पता लगाने के बाद पार्टी लेगी निर्णय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर लीक मामले में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कार्रवाई की है उस पर भी जो है नेतृत्व खुश है, बाकी ग्राउंड लेवल पे क्या है वो सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने विधानसभा की भर्ती मामले में संज्ञान लिया है। पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि पार्टी विधानसभा के भर्ती मामले में जानकारी लेगी, वरिष्ठ नेताओं से सच्चाई का पता लगाने के बाद ही यहां पर जो है निर्णय लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर तमाम मामले जो है अब तूल पकड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं केंद्र के नेतृत्व पर भी जो है सवाल उठ रहा था इसको लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो बड़ी खबर यह है कि विधानसभा में जिस तरीके से हो रही है भर्ती उस पर लगनी चाहिए रोक, चमोली। तो यहां पर आप देख सकते हैं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि विधानसभा में जिस तरह से भर्तियां हो रही हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को आने वाले समय के लिए एक विशेष कमेटी गठन करनी चाहिए ताकि ये भर्तियां बैकडोर से ना होकर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर हो। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर तरफ। जेई ललित को एक दिन के रिमांड पर ले लिया गया है। तो सहारनपुर के जल संस्थान का जेई आरोपी बिजनौर ले जाकर एसटीएफ करेगी पूछताछ। तो यहां पर आप देख सकते हैं पेपर लीक मामले में जेई ललित राज शर्मा को एसटीएफ ने एक दिन की पुलिस कस्टडी में ले लिया है। उसे बिजनौर के धामपुर में ले जाकर पूछताछ होगी। धामपुर में जिस मकान को नकल सेंटर बनाया गया था वो अभी ललित का ही है। ऐसे में इस मामले को अहम कड़ी जो है माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सबसे बड़ी खबर जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे कि पेपर लीक मामले में 3 साल से बिना अनुबंध आयोग की परीक्षाएं करा रहा था दागी कंपनी। तो आप देख सकते हैं तो इसके बाद कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर भी जो है यहां पर क्वेश्चंस उठते हैं। आरएमएस कंपनी जल्द होगी ब्लैक लिस्टेड। तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरी खबर क्या है। पूरी खबर यह है कि आप देख सकते हैं पेपर लीक में फंसी आर्मसेस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी 3 साल से बिना अनुबंध के ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं करा रही थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक्ट के हिसाब से हर साल परीक्षा कराने वाली एजेंसी का चयन या नवीनीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन आयोग ने लखनऊ के आर्मसेस टेक्नो सॉल्यूशन की कंपनी को 3 साल से अनुबंधित नहीं है। और याद हो आपको इससे पहले जब कभी भी जो एक्स सचिव है संतोष बडोनी जी का इंटरव्यू लिया जाता था तो वो किस हिसाब से चीज़ों को बोलते थे, किस हिसाब से ऐसा बोलते थे जैसे कि आयोग इतनी स्वच्छ और साफ है कि उस पर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन अब जिस हिसाब से यहाँ पर मामले लगातार आ रहे हैं कहीं ना कहीं संतोष बडोनी और एक्स जो अध्यक्ष हैं एस राजू पर भी जो है सवाल उठने लाजमी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो सीबीआई जांच के लिए कोर्ट पहुंचे हैं भुवन कापड़े। तो जैसे कि आपको पता है कल के दिन ये बहुत बड़ी खबर थी, यहाँ पर उन्होंने हाई कोर्ट में जो है एक रिट दायर कर दी है जो आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर चयन आयोग की भर्तियों में घपले की मांग के लिए भुवन कापड़ी ने जो है हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। बुधवार को दायर याचिका में भुवन कापड़े की ओर से कहा गया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शिक्षा पुलिस विभाग और ग्रामीण विकास विभाग सहित तमाम ऐसे जो डिपार्टमेंट है जहां पर जो है अनियमितताएं पाई गई हैं तो इनके जांच के लिए जरूर जो है सीबीआई की जरूरत है। तो इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चा ने विभिन्न भर्ती घोटालों के लिए भी जो है सीबीआई की मांग की है। तो लगातार अब जो है सीबीआई की मांग यहां पर उठने लगी है। और बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा जरूर। चलिए बात करते हैं अगली खबर की तरफ। पेपर लीक अभ्यर्थियों से पूछताछ करेगी एसटीएफ। तो आप देख सकते हैं शिक्षक बलवंत सिंह रौतेला ने 40 अभ्यर्थियों को पेपर जो है उपलब्ध कराया था। तो पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों से भी अब लगातार पूछताछ होगी कड़ी तरीके से। तो आप देख सकते हैं और ये खबर कि दरोगा सीधी भर्ती घपले की विजिलेंस की जांच हुई, इसके लिए हमने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की तरफ। तो विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जो है भर्ती घपले की कोर्ट में जो है इन्होंने अर्जी दायर कर दी है, रिट दायर कर दी है। तो सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर कि
लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 या 5 सितंबर को सुनवाई होगी। तो यहाँ पर 2 या 5 सितंबर को सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है, तो हमारे भी प्रॉपर नज़र जो बनी हुई है। उसके अलावा कापड़ी ने पीएम और राष्ट्रपति को भी ईमेल के जरिए पत्र भेजा है, कहा चयन आयोग भर्ती घपले के तार यूपी से भी जुड़े हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें एसटीएफ के अलावा आप देख सकते हैं 2 राज्यों की जो है इन्वॉल्वमेंट होने के कारण इसमें सीबीआई जाँच होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा में ढूंढने पहुंचे बैकडोर, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यहां पर लोग लगातार तंज कस रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि राज्य विधानसभा सचिवालय चैतू को बैकडोर से एंट्री का मामला इसमें चर्चाओं पर है। आंदोलनकारियों ने अपनाया विरोध का अनोखा तरीका, राज्य आंदोलनकारियों ने विधानसभा भवन की परिक्रमा भी यहां पर की, तो आप देख सकते हैं उन्होंने अनोखा तरीका जो है विरोध का अपनाया है। तो इसी क्रम में राज्य उत्तराखंड आंदोलनकारी से जुड़े कुछ लोग बुधवार दोपहर को इन बैकडोर भर्तियों का दरवाजा ढूंढने के लिए विधानसभा पहुंचे, लेकिन उनके हाथ जो है कुछ नहीं लगा। दरअसल इस मामले में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से तमाम आवाज़ें उठ रही हैं। अब ये मामला तो सेंटर तक पहुंच गया है, तो भर्ती घपले पेपर पहुंचाने वाला पकड़ा गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक और सफलता हाथ लगी। एसटीएफ ने पूर्व में जो तमाम मेन जो इसके कल्प्रिट से यानी कि और उनके जो बीच का गुर्गा था उसको जो है पकड़ लिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हल्द्वानी आकर शशिकांत को दिया पेपर, लखनऊ का रहने वाला है, आरोपी का नाम जो है फिरोज हैदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो भर्ती परीक्षा का पेपर खरीदने वालों को जो है बड़ी कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं है पेपर खरीदने वाले अभ्यर्थी भी आरोपी बनाए जाएंगे, लेकिन इनकी धोखाधड़ी में गिरफ्तारी का जो है प्रावधान नहीं है। इनका नाम मुकदमे में शामिल करके चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस मामले में कोई भी आरोपी नहीं बचेगा, डीजीपी अशोक कुमार का ये कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा भर्ती घपले के खिलाफ सड़कों पर उतरे राज्य आंदोलनकारी। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि तमाम आप देख सकते हैं कि उसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड विधानसभा में मनमानी भर्तियों के खिलाफ बुधवार को कूच किया। विधानसभा के मुख्य द्वार के बजाय पिछले दरवाजे को तलाशने की कोशिश की। तो लगातार यानी कि उत्तराखंड में चाहे वो विधानसभा भर्तियों में घोटाले हो, चाहे बीडीओ बीपीडीओ का मामला हो, तमाम जो है लगातार धूल पकड़ता जा रहा है। अब बात करते हैं बैकडोर की भर्तियों के बारे में। तो कुंजनवाल विधानसभा में बैकडोर भर्ती पर माफी मांगने को तैयार हैं। तो सरकार अब माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, अब माफी मांग के आप क्या करोगे, आपने इतने सालों में अपने चहेतों को भेजा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि अपने बच्चों को विधानसभा में नौकरी देना नैतिक रूप से गलत था, उन्होंने माना कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब जो है इनको समझ आ रही है। ठीक है, जब पूरा जनता का दबाव और पूरी इन पर आरोप तय हो रहे हैं तब इनको समझ में आ रही है। उन्होंने कहा कि विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि नौकरी देने का काम सिर्फ उन्होंने नहीं किया, उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी की भतीजी को भी विधानसभा में नियुक्ति दी गई थी। तो ऐसे में केवल उन पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहां तमाम चीजें पर जो है सवाल उठते हैं। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माना अपने बच्चों को नौकरी देना नैतिक रूप से गलत था, बोले मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पूरे प्रदेश की जनता मुझे पहले ही दे चुकी है सजा। भाई साहब अभी तो आपको बहुत कुछ और देखना और सुनना बाकी है। रिश्तेदारों को नौकरी की एक और सूची वायरल हो गई है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कल के दिन पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं अरविंद पांडे, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किन किन अपने रिश्तेदारों को नौकरियों पर रखा था उसकी एक लिस्ट वायरल हो गई है और तमाम चीज़ें यहां पर हो रही हैं। तो चमोली ने बैकडोर की भर्ती पर जो है सरकार को खरी खरी जो है यहां पर सुनाई है। उन्होंने बोला कि विधानसभा में बैकडोर भर्ती से राजनीति दागदार हुई है, जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों का विश्वास यहाँ पर जो है कम हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाजपा के जो विधायक का कि नियमों का नहीं बल्कि नियत और नैतिकता का सवाल है। कांग्रेस नेताओं को दी नसीहत, बोले अपनी जांच एजेंसी पर भी रखें पूरा विश्वास। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो यहाँ पर जो कल के दिन बहुत एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल के सामने आई कि भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ गोलजू जो है मंदिर पर न्याय की यहाँ पर गुहार
लगाई है। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में गुलजू देवता जो है बहुत न्याय के देवता के रूप में उत्तराखंड में बहुत फेमस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपल एससी में बेरोजगार युवाओं ने मोर्चा खोला। बुधवार को युवाओं ने चितई स्थित गोलू देवता मंदिर में अर्जी लगाकर न्याय की गुहार लगाई। अब देखते हैं क्या वाकई में भगवान जो है इस हमारे पूरे उत्तराखंड को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं इन जो है दानवों से, वो तो आने वाला समय बताएगा। चले लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी जो है निर्णय जरूर ऊपर वाले ने करके रखा होगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो रेलवे भर्ती में भी जो है मुन्ना भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरफ्तार हुआ है। यानी हर तरीके से आप देख सकते हैं भर्तियों में की जो है तार तार जो यहाँ पर करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। उसके अलावा प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब कर लिया गया है, जो कल के दिन बहुत बड़ी खबर रही। उसके अलावा भाजपा संगठन के बयान न देने का निर्देश जो है सभी को दे दिया गया है। तो गाइज ये रही बड़ी खबरें जो कल के दिन पूरे जो है सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया में छाए रही, जहां पर बैकडोर भर्तियों को लेकर बीडीओ बीपीडीओ भर्ती को लेकर और तमाम इस तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं उसको लेकर यहां पर खबरें छाए रही। बाकी आपकी क्या राय है इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।